हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट वेज स्टफ्ड डोनट्स। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल में हम ऐड कर लेंगे गार्लिक चॉप गार्लिक इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम वेजीज ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कैरेट कैप्सिकम कैबेज अनियन और स्वीट कॉर्न यूज़ किया है। इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे ऑयल में। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम ज़्यादा तरकारियों को सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था रेड चिली सॉस सोया सॉस। इसको भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तरकारी कुक होने के बाद हम इसको एक ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बिल्कुल चॉप किए हुए पनीर ऑलिव्स और यहाँ पर मैंने चीज़ का एक क्यूब लिया है। इन सभी चीज़ों को मैं वेजीज़ में ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर लिया है। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, मोज़रेला चीज़ या फिर कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम प्रिपेयर करेंगे डो। डो के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप ल्यूक वार्म मिल्क। इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच बटर के और यहाँ पर मैंने 1 एग लिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बटर को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर मैदा। 3 कप्स यहाँ पर हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। इस रमज़ान आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुपर सॉफ्ट इसका बन बनता है। आप कोई भी इसमें स्टफिंग यूज़ कर सकते हो। आप चिकन ऐड कर सकते हो, कोई भी अपनी मर्ज़ी की आप स्टफिंग इसमें स्टफ़ कर सकते हो। लेकिन ये इतनी कोई कमाल की रेसिपी है, अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी और सब कहेंगे कि इस रेसिपी को आप बार बार बनाइए घर पर। अब यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है मिल्क और एग का मिक्सचर। अगर ये मिक्सचर बस नहीं होता है सॉफ्ट आटे को गूंदने के लिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हो। इसको हमने रख लिया था 1 आवर के लिए साइड पे। डो अच्छी तरह से डबल हो चुका है। अब हम इसके पोर्शंस बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके 4 पोर्शंस कर लिए है और इसको मैं हाथ से फ्लैट कर लूँगी। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं फ्लैट करूँगी, हाथ से इसको मैं हल्का सा फ्लैट कर लूँगी और बीच में मैं इस तरह से गैप देकर मैं डोनट के शेप में उसको मैं सर्कल की तरह मैं वेजीज़ को इस तरह से मैं रख लूँगी। शायद मुझे समझाने के लिए उतना अच्छा आएगा नहीं। आप देख लीजिए किस तरह से इसको हमने डोनट का शेप देना है। सेंटर में मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि इसको हम डोनट का शेप दे सकें। इस तरह से जो इसके एडजेस है हमने उसको बहुत ही हार्ड अपने फिंगर से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि डो एक दूसरे पे स्टिक हो जाए। और इस तरह से हम एक कॉटन के क्लॉथ पे रख लेंगे। जो एक्सेस ऑयल है अंदर स्टफिंग के अंदर का एक्सेस ऑयल है वो सारा कपड़े पे आ जाएगा और डोनट आपका खुलने का डर नहीं रहेगा। वो हमने मीडियम टू लो हीट पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं कितना इसका सॉफ्ट कोई बन बना है। देखिए, रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए।